हेलो फ्रेंड्स, जो हमने फर्स्ट भाग में गणेश जी के बॉडी के पार्ट्स बनाए थे, अब उसे हम जोड़ेंगे। उसके लिए हमने ये एक ऊन वाली सुई यूज़ की है, ऊपर से ये ब्लंट होती है और हम इससे ही सारे पार्ट्स जोड़ेंगे। सबसे पहले हम इस बॉडी में कान जोड़ेंगे। बॉडी बनाना आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। इसको सुई को धागे में हम डाल लेंगे और उसके बाद कान का पोजिशन हम अपने दिमाग में सोच लेंगे कि हमें कान कहाँ पर लगाना है। बॉडी में इस तरह से रखा हमने कान को और कान को जैसे हम स्वेटर सिलते हैं उसी तरह से कुछ कुछ इस कान को जोड़ेंगे। कान को एकदम नीचे तक नहीं जोड़ेंगे, ऐसे इतना ही जोड़ देंगे और एक बार फिर से इसी पे ही स्टिचिंग करेंगे। ये हमने यहाँ पे स्टिचिंग कर ली। स्टिचिंग करने के बाद हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, दो बार नॉट लगाएंगे इस तरह से और सुई को हम यहीं से ही बॉडी में इंसर्ट करते हुए दूसरी जगह पर निकाल लेंगे, जिससे इसका धागा बॉडी के अंदर ही हो जाए और हमें ऊपर से सिलाई का लास्ट का धागा ना दिखे। इस तरह से एक कान जुड़ गया है, दूसरा कान भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे इसके साथ के धागे। हमने दूसरा कान भी जोड़ लिया है, इसके भी अंत की ये सुई हमारे को हम कहीं भी इंसर्ट करके बॉडी में से इस तरह से निकाल लेंगे। जो धागा निकलेगा उसे हम उनसे इस तरह से काट लेंगे उनका। इस तरह से कान जुड़ गए। अब इसकी सूंड भगवान जी की जोड़ेंगे। भगवान जी की सूंड ऐसे जोड़ेंगे कि जो हमारा फंदा घटा हुआ है वो ऊपर पे आए। हमने उसके लिए सूंड में तो कोई धागा एक्स्ट्रा है नहीं, हमने थोड़ा धागा सुई में इस तरह से ले लिया है ये, और हम सूंड को जोड़ेंगे। ये यहाँ पर से इस तरह से हम एक बार गुजारेंगे, फिर दोबारा उसी जगह गुजारेंगे तिवारा, इससे वो यहाँ पे नॉट की तरह से बन जाएगा धागा। अब इसे जहाँ पे रखना है उस जगह पे इसे रख के और सिलाई करेंगे। अभी हम इसको पार्ट्स को जोड़ने का वीडियो दिखा रहे हैं। इसके बाद हम दिखाएंगे कि कैसे इसको हम डेकोरेट करेंगे, आईज़ बनाएंगे और डेकोरेशन करेंगे। इस तरह से हमने ये जोड़ लिया। दो गांठ हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि अच्छे से सिक्योर हो जाए। ये देखिए, हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। ये देखिए सही लग रहा है। एक बार फिर से हम अटैच कर देंगे जिससे कि ये पक्का हो जाए। दोबारा करने की बहुत खास ज़रूरत नहीं, लेकिन एक एहतियातन हम, क्योंकि कभी ये गंदा हो जाए और धोना पड़े, तो इसलिए हम यहाँ पे दो गांठ इस तरह से लगा ली और फिर शरीर में कहीं से भी इसे धागे को निकाल लिया। अब यहाँ पास से कट कर दिया। इस तरह से सूंड भी जुड़ गई है भगवान जी की। अब हम हाथ जोड़ेंगे। हाथ में एक तरफ धागा हमने काट दिया था, एक तरफ का है लंबा धागा, तो उसी लंबे धागे को हम सुई में पिरो लेंगे और हाथ को कान के जस्ट नीचे ऐसे बॉडी वाले पोर्शन में इस तरह से जोड़ेंगे। एक कान के जस्ट नीचे इस हाथ को जोड़ा है हमने। अब दूसरी तरफ सुई को ले लेंगे और दूसरा हाथ भी इसके जस्ट अपोजिट में हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्रोशिया से बना हुआ है इसलिए ये अच्छा थोड़ा बहुत हार्ड भी होगा। आप आराम से इसे अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं हाथों को। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस चाहिए तो आप इसमें यहाँ पर पतला वायर भी डाल के सिल सकते थे। ये सिल गया। यहाँ भी हम गांठ लगाएंगे और गांठ लगाकर बॉडी में दूसरी तरफ से सुई को निकाल देंगे। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे एक दो बार सिला। ये देखिए, आराम से सिल रहे हैं हम। फिर बॉडी में दूसरी जगह से निकाल लिया। जब ये थोड़ा सा जो ऊन दिख रहा है इसे हम इस तरह से कट कर देंगे। कहीं पे भी सिलाई का कोई धागा दिखता नहीं है इसमें बाद में। अब ये लेग्स जोड़ेंगे। एक लेग में हमने धागा नहीं रखा है और एक में रखा है, तो जिसमें रखा है उस धागे को सुई में पिरो लेंगे हम और सिलाई करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमने धागे को सुई में ले लिया है। लेग को हमें खड़ा नहीं लगाना है, इस तरह खड़ा नहीं लगाना है, क्यों इस तरह से बैठा हुआ ही भगवान जी बनाएंगे, क्योंकि खड़े हुए गणेश जी थोड़ा सा हमारे मैथोलॉजिकल हिसाब से थोड़ा वो कम अच्छे होते हैं, क्योंकि भगवान का बैठा हुआ रूप स्टेबल होता है घर में, तो हम इन्हें बैठा ही हुआ बना रहे हैं। इस तरह से लगा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको बॉडी में आगे की तरफ भी जोड़ते हुए जाना है, क्योंकि पैर को हम इस तरह से बैठा हुआ दिखा रहे हैं। आराम से इसे इस तरह से जोड़ना है और दूसरी तरफ का पैर भी ऐसे ही
हम जोड़ लेंगे। बहुत आसानी से ये बन जाता है और जुड़ भी जाता है। अब दूसरी साइड हम निकालेंगे। पहले हम ये देखिए बीच के पोर्शन तक हम जोड़ रहे हैं, जिससे कि बीच में ये पैर इस तरह से आए। अब दूसरा पैर हम जोड़ेंगे यहाँ पे ऐसे रख के, इसे भी थोड़ा फुला के ही रखेंगे और ऐसे यहाँ पर इसे भी जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से जोड़ लिया, बहुत आराम से ये भी जुड़ गया। हमने कट कर दिया धागे को, ये हो गया। ये है फाइनल लुक हमारे गणेश जी का। अब इसकी डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें चाहिए, काला धागा, लाल धागा और फैविक्रिल का हमने यहाँ गोल्डन स्पार्कल 3D कोन लिया है। सबसे पहले काले धागे को अपनी सुई में ले लिया। हम आँख बनाएंगे, आँख की पोजीशन हम अपने मन में सोच लेते हैं। हम इसमें गांठ नहीं लगाते, आपको बता दें इस तरह से फंस जाता है धागा, एक के ऊपर एक आप जब करते जाओगे तो धागा फंस जाएगा, क्योंकि अगर आप गांठ लगाओगे तो चेहरे में ऊपर ही वो गांठ दिखेगी, इसलिए इसी तरह से हम इसे धागे को फंसाते हैं। कोई गांठ हमने इसमें नहीं लगाई है, इस तरह से लगाया, आँख बन गई। अब आँख के बाद हम पलक बनाएंगे, सॉरी आईब्रो, आईब्रो दो बार हम बनाएंगे एक ही जगह पे, यूं हो गई। अब फिर से हम दूसरी आँख को भी वैसे ही बना रहे हैं, उसी धागे को कंटिन्यू कर लिया है हमने। ये दूसरी आँख भी बन गई यहाँ पे। अब आईब्रो बनाएंगे, आईब्रो जस्ट एक सीधी लाइन उसके ऊपर थोड़ी सी कर्व करती हुई लगा देते हैं। इस तरह से दोनों आंखें भी बन गई। हमने इस वीडियो में टोपी बनाना नहीं बनाई है भगवान की, बताई नहीं है टोपी कैसे बनेगी। आप हमारे पहले के जो बड़े गणेश जी हमने बनाए थे उसमें टोपी बनाना देख सकते हैं, और उसमें आप छोटा करके इन गणेश जी के लिए बना सकते हैं। हमने अब इसमें लाल धागा ले लिया। लाल धागे को हम सबसे पहले तिलक की तरह ही बनाएंगे, तिलक हम त्रिशूल या की तरह से बनाएंगे। यहाँ भी हमने कोई गांठ नहीं लगाई, आपने देखा होगा हमने धागे को एक दो तीन बार एक ही जगह करेंगे तो वो वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। ये अब यहाँ त्रिशूल की तरह का हमने यहाँ बना लिया ये तिलक। फिर सूंड के ऊपर हम जाएंगे और जैसे लेजी डेजी होती है उस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए एकदम लेजी डेजी की तरह बनाया है। फिर यहाँ पे इसी जगह से एक सुई निकाल के दोबारा आगे निकालेंगे यूं। ये आप अपने मन के हिसाब से भी कर सकते हैं इस तरह से। बड़े गणेश जी में हमने दांत भी बनाना बताए थे, क्योंकि उसमें एक दंत भगवान जी का एक और नाम है, हमने यहाँ पे दांत नहीं बनाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से हमने दो दो बार रेड धागे को अब इस तरह से करते जाएंगे, जिससे कि डिजाइन अच्छे से हो जाए। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी आप अपने हिसाब से गणेश जी की बॉडी पे कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जैसे हमने लेजी डेजी का यूज़ करके छोटी छोटी सी पंखुड़ियाँ सी बनाई हैं, आप अपने मन से जैसा चाहे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का हमने बना लिया है। अब यहाँ पे भी एक और पंखुड़ी बना लेंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत गणेश जी बन रहे हैं। किसी को अगर आप गिफ्ट करें तो वो भी खुश हो जाएगा। अब पीछे से हमने धागा को इस तरह से निकाल लिया है और कट कर लेंगे, तो ये देखिए इस तरह से मैं फैला दी है। ये हमारे गणेश जी पूरे हो गए हैं। अब स्पार्कल पेन की स्पार्कल ये जो ट्यूब है उससे हम यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइनिंग कर देंगे, और इनकी जो ये धोती है बैगनी कलर की, इस पर छोटे छोटे डॉट बना देंगे। कान में हमने ऊपर कुंडल बना दिया, हाथ में और पैरों में इस तरह से पायजेब और कड़ा बना देंगे आराम से, और धोती में भी हम डॉट्स लगा देंगे, बहुत ही आराम से ये हो जाता है। पेट में भी हम कमरबंद बनाएंगे जहाँ पे जॉइंट है दोनों कलर का।
ये है गणेश जी का फाइनल लुक। इसमें मैंने टोपी पे भी स्पार्कल लगा लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करके रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबाते हुए बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट